कशी जावली पाहिलं सरका 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 कशी जावली पाहिलं का चावली ना दी चावली मग काय तर फिरायला कशी पाहिलं बॅस सारखी ते काहीतरी खाल्लेलं आहे बेटा तिला काढण्याचा प्रयत्न करत आहे ती चिडलेली आहे रे बरं एवढ्या शांत याच्यात कशी काय येऊन घुसली ना ती कुठून आली सुटलं मुतरी आता कशी पळायची दात मोडत नसते का तिचा दोस्तों मैं हमेशा आपको एक ही बात कहता हूँ कि सांप कहीं पर भी निकल सकते हैं। वे खेतों में ईंटों पत्थरों और लकड़ियों में हमारे घरों के आसपास हमारे घरों में तथा हमारे बेड पर भी आ सकते हैं क्योंकि हमने उन्हें रहने के लिए बिल्कुल ही जगह नहीं रखी है तो आखिर वो बेचारे जाए भी तो कहाँ। आप देख सकते हैं दोस्तों एक छोटा सा धावन का बच्चा है लेकिन बहुत ही अग्रेसिव है दोस्तों। ये एक चूल्हे में बैठा हुआ था जब मैंने इसको रेस्क्यू करने का प्रयास किया तभी इसने देखिए मुझे यहाँ पर बाइट किया है। आप देख सकते हैं इसे पकड़ने के तुरंत बाद इसने मुझे बाइट किया है दोस्तों। लेकिन इसे घबराने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि इस सांप में किसी भी तरह का वेनम नहीं पाया जाता है दोस्तों। ये बिल्कुल ही नॉन वेनमस सांप होता है। अगर इसने किसी को बाइट किया तो सिर्फ एक टीटी का इंजेक्शन लेना जरूरी होता है, उसके अलावा किसी भी तरह की ट्रीटमेंट लेना जरूरी नहीं होता। इस सांप को मराठी में धावन, हिंदी में धामिन और हरियाणवी लैंग्वेज में घोड़ा पचार सांप के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये चूहों का पीछा करते हुए हमारे घरों तक आ जाता है और ये चूहों को ही ज्यादा खाना पसंद करता है, इसलिए इस सांप का नाम भी रैट स्नेक ऐसा रखा गया है। देखिए दोस्तों जब मैंने इसको रेस्क्यू किया तब इसने मुझे बुरी तरह से बाइट किया लेकिन अभी देखिए ये पूरी तरह से शांत हो चुका है। अभी ये मेरे हाथ पर चढ़ रहा है क्योंकि इसे अभी लग रहा है कि ये किसी पेड़ पर चढ़े हुआ है, इसलिए अभी ये मुझे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दोस्तों सांप हमारे इकोसिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं और इस सांप को किसानों का मित्र भी कहा जाता है क्योंकि ये एक दिन में 25 से 30 चूहों को खा लेता है। लोगों के मन में इस सांप के प्रति बहुत सारी अंधश्रद्धाएं फैली होती है। लोगों का यह मानना होता है कि ये सांप गाय और भैंसों को लपेटकर उनका दूध पीता है लेकिन दोस्तों मैं हर एक वीडियो में यही बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किसी भी सांप के स्टमक में दूध को पचाने वाले एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। और दूसरी गलत धारणा ये होती है कि ये सांप इंसानों से बदला लेता है। दोस्तों बदला लेने की फितरत तो सिर्फ इंसानों की ही होती है। इंसानों से खतरनाक, इंसानों से ज्यादा वेनेमस और इंसानों से जहरीला दूसरा कोई जानवर नहीं है दोस्तों। किसी भी सांप के ब्रेन में इंसान के ब्रेन जैसा सेरेब्रल हेमिस्फीयर नहीं पाया जाता है, इसलिए कोई भी सांप हमारे जैसी सोच नहीं सकता, इसलिए बदला लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
अभी इस सांप को हम इसके प्राकृतिक निवास में रिलीज कर देते हैं। ऐसे ही हमारे नए नए वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकॉन का बटन होता है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।